काट नहीं सकते मैसूर पाक बहू की रेसिपी। एक गांव में देशमुख कहकर एक आदमी रहता था। उसको गोमती कहकर पत्नी और संतु कहकर एक बच्चा था। देशमुख की माँ बहुत झगड़ालू थी, नाम था भद्रुका देवी। उनसे घर में देशमुख ही नहीं बल्कि सब लोग डरते थे। बहू गोमती को हमेशा सताती रहती थी। एक दिन गौमती संतु को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी, तब भद्रुका, क्यों रे गौमती, कॉफी पूछा तो 5 मिनट रुकने के लिए कहती हो? आंखें सर पर चढ़ गया है क्या? क्यों, थोड़ा पहले उठकर सब काम खत्म कर सकती हो ना, बोली। तब भद्रुका का पति, अरे बेचारी सुबह से सारा घर का काम वही कर रही है, थोड़ा रुक नहीं सकती हो ना, कहा। तब भद्रुका उसको एक मार के, सुबह सुबह सड़ा हुआ सलाह दिया तो मेरा दिमाग सड़ जाता है, छी छी, इस घर में मेरा मूल्य ही नहीं है, ऐसे गुस्से से बोली। फिर एक दिन उनके घर में रिश्तेदार आए थे। गोमती ने उनके लिए स्वादिष्ट खाना बनाया। वो खाकर उनमें से एक आदमी, अरे वाह, इतना स्वादिष्ट खाना बनाई हो बेटी गोमती, तुम्हारी जैसी बहू मिलना सच में भद्रुका का भाग्य है, कहा। और एक औरत, सच कहना है तो हमारे भद्रुका से भी बहुत स्वादिष्ट बनाई हो बेटी, बहुत अच्छा है खाना, बोली। तब देशमुख, हर रोज ऑफिस में मेरा कैरेज से खाने के लिए सब लोग झगड़ा करते हैं, पता है, उनको भी गोमती का खाना कहे तो बहुत पसंद है। गोमती, कल मेरा जन्मदिन के लिए हमारा ऑफिस वाले सब खाने के लिए आएंगे कहकर जिद कर रहे हैं, तुमको सबको खाना बनाना पड़ेगा। हंसते हुए कहा। फिर ये सारी बातें सुनकर भद्रुका ईर्ष्या से बहुत जलने लगी। बहू को कैसे भी अपमान करना है कहकर तय किया। ऐसे देशमुख के जन्मदिन पर उसका ऑफिस वाले खाने के लिए बैठे थे, तभी भद्रुका चुपके से रसोई के अंदर जाकर गोमती ने जो बनाया था उन सब्जी में नमक और मिर्ची ज्यादा डाल दिया। वो खाकर ऑफिस वाले चौंक गए। एक आदमी, क्या भाभी ये इसमें गलती से नमक का डब्बा गिरा दिया है क्या आपने? बाप रे, इतना नमक है इसमें, छी छी, कहा। तब और एक आदमी, अरे बाप रे, इतना तीखा है, बहुत तीखा है, ये क्या है, इतना घटिया है ये सब्जी, छी छी, थूक, कहकर थूक दिया। तब एक औरत, ये क्या है देशमुख, तुम्हारी पत्नी खाना बहुत अच्छा बनाती है, कहा, लेकिन इतना घटिया खाना बनाया है, छी छी, चलो जाते हैं, कहकर सब लोग गुस्सा होकर उधर से जाने लगे। तब उनको देखकर देशमुख और गोमती दुखी हो रहे थे, तब भद्रुका उनको देखकर बहुत खुश होने लगी। ये सब देखकर संतु को नानी पर शक होने लगा। ऐसे घर में कोई भी आने से भद्रुका खाने में नमक और मिर्ची ज्यादा डालने लगी। वो खाकर सब लोग गोमती को डांट कर जाने लगे तो भद्रुका बहुत खुश होने लगी। एक दिन भद्रुका को नमक और मिर्ची मिलाते हुए संतु ने देखा। तुरंत ही जाकर घर में सबको बुलाकर ये बात बताया। नानी को सबक सिखाने का एक उपाय भी उसने उनसे कहा। बाद में वो सबके सामने, दादी माँ, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो कहते हैं, मेरी माँ से भी बहुत बढ़िया बनाती हो कहकर बहुत लोगों ने कहा है, तुम मैसूर पाक बहुत अच्छा बनाती हो कहते हैं, मेरे लिए मैसूर पाक बनाकर खिलाओ ना दादी, प्लीज दादी प्लीज, ऐसे पूछा। तब भद्रुका बहुत खुश हुई। फिर भद्रुका, क्या सोच रहे हो मेरे मैसूर पाक के बारे में, मैं मैसूर पाक बनाती हूँ तो वो खुशबू 4 घरों में जाती है, कुछ लोग भी है इस घर में उनको पकाना नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, ठीक है तुम्हारे लिए बनाती हूँ, बोली। उधर गौमती को देखते हुए बाद में वो मैसूर पाक बनाकर बगल में गई। तब संतु धीरे से आकर उस मैसूर पाक में सीमेंट का पानी डाला, उसकी वजह से वो गंदा हो गया। उसके बाद सब लोग खाने के लिए बैठे, सब लोग उसे चबाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं खा पा रहे थे। तब गोमती, ये क्या है सासुमा, इतना मजबूत है, चबाने के लिए कोशिश करने से भी नहीं टूट रहा है, बहुत मजबूत है, क्यों ऐसा बनाया, पूछी। तब भद्रुका को गुस्सा आकर, तुम चुप रहो, झूठ मत कहो, मेरा मैसूर पाक अच्छा है कहकर जलती हो तुम, कहकर उसे चबाया, वो बहुत मजबूत था। तब संतु, क्या हुआ दादी, चबा नहीं सक रही हो क्या, मजबूत है क्या,
पूछा। तब भद्रुका घबरा कर वो कुछ नहीं है, बहुत नरम है कहकर और भी जोर से चबाई। वो मैसूर पाक नहीं टूट रहा था, तब सबके सामने इज्जत चला जाएगा कहकर और जोर से चबाई। बस उसके मुंह से कुछ दांत टूटकर हाथ में गिरे। तब भद्रुका बाप रे मेरा दांत टूट गया है कहकर रोने लगी। तब संतु अब तो समझ में आया दादी माँ तुमने क्या गलती किया है। माँ ने जो बनाया उस खाने में तुम नमक और मिर्ची डालते हुए मैंने देखा था, तुमको सबक सिखाना है कहकर मैंने ही ऐसा किया कहा। तब से बुद्धि आकर भद्रुका घर में बहू से और सबके साथ अच्छे से बर्ताव करने लगी। मिनी वुडन ट्रेन। एक गांव में राजू नाम का कारपेंटर था। वो चार अनाथ बच्चों को गोद लेकर पाल रहा था। राजू उस गांव में लकड़ी के खिलौने बनाने के दुकान में काम कर रहा था। एक दिन राजू खिलौने बना रहा था कि उस दुकान का मालिक प्रेमचंद आकर उसके पास, देखो राजू मुझे पता चला है कि तुमने चार अनाथ बच्चों को गोद लिया है, उन्हें पढ़ा लिखा कर पाल रहे हो, तुम महीने के तनख्वाह लेकर काम करने वाले हो, तुम क्यों ऐसे दान पुण्य का काम कर रहे हो, वैसे तुम्हें भी तो शादी करके जिंदगी में घर बसाना चाहिए ना। मैं जो तनख्वाह तुम्हें देता हूँ यदि वो सब इन अनाथ बच्चों पर खर्च करोगे तो तुम्हारा भविष्य एक समस्या बन जाएगा, ध्यान रहे। देखिए मालिक इस अनाथ की जिंदगी में उन चार बच्चों के आने से हमारा एक परिवार बना, अगर आप जैसा कह रहे हैं ये बच्चे यदि समस्या हैं, तो इसके समाधान का भी कहीं ना कहीं जन्म हो चुका होगा, आप चिंता ना करें। उस गांव के पास वाले जंगल में एक बड़ा राक्षस था। अरे भूख लगी है और भूख लगी है कहकर एक बकरी को खा गया, फिर भी उसकी भूख नहीं मिटी। बाद में एक भैंस को खाकर मेरी भूख अब भी नहीं मिटी कहकर जंगल में घूमते हुए एक हिरण को पकड़ने वाला था। तब वो हिरण दौड़ते हुए वहाँ तपस करने वाले एक ऋषि के पास गई। हे मुनिवर मेरे प्राण की रक्षा करे कहकर विनती करने लगी। इतने में राक्षस ने आकर उस हिरण को भी खा गया। तब ऋषि तपस्या से बाहर निकला। हे राक्षस तुम में इतना अहंकार, मेरे शरण में आए एक जीव को तुम मेरे ही समक्ष में खा गए, अब देखते जाओ तुम्हारी ये भूख ही तुम्हारा शत्रु बनकर तुम्हें परेशान करेगा, यदि तुम्हें पेड़ या पौधा बना दिया तो बस फिर से प्रकृति में मिलकर इसका एक अंग बन जाओगे, इसलिए तुम्हें एक लकड़ी के टुकड़े में बदल दूंगा। उस लकड़ी के टुकड़े को पानी हवा या कुछ और ग्रहण करना असंभव है, इसीलिए तुम्हारी ये भूख कभी नहीं मिटेगी कहकर श्राप दिया। तब वो राक्षस एक लकड़ी के तने में बदल गया। तब लकड़ी का तना बना राक्षस, हे मुनिवर मेरी गलती को क्षमा करें और इस श्राप से मुक्त करें, जब तक तुम लकड़ी का तना बनकर रहोगे ये दंड तुम्हें झेलना होगा, पर जब इसका आकार बदलेगा तब तुम उनकी इच्छा पूरी करके उनकी दुआओं से तुम्हारा भूख मिटकर तुम्हारा असली रूप तुम्हें मिलेगा। तब से वो लकड़ी का कटा हुआ तना भूख भूख कहकर जंगल में लुढ़कने लगा। जो खरगोश उस राक्षस के रूप को देखकर दौड़कर भागते थे वे सब इस लकड़ी के तने पर चढ़कर खेलने लगे। अरे विधि का भी विधान कैसा विचित्र है, जब मैं राक्षस था तब जंगल के सारे जानवर मुझसे डरते थे, अब मैं इनके लिए तुच्छ हो गया हूँ कहकर दुखी होकर एक पानी के स्रोत में जाकर पानी पीने की कोशिश करते हुए उस ऋषि ने सच कहा था, हवा में सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, पानी भी नहीं पी सकता, इस जंगल में मैं जी नहीं सकता, अगर मुझे भूख मिटाना हो तो पास वाले गांव में ही मुझे जाना होगा, ऐसा सोचा। अगले दिन चांदनी नाम की लड़की प्रेमचंद को लेकर राजू के घर पर गई। पिताजी यही है वो कलाकार का घर जिससे मैं प्यार करती हूँ, राजू और मैं 3 महीनों से प्यार कर रहे हैं, ये लकड़ी का खिलौना बनाने में माहिर है, आप हमारी शादी कर देंगे तो आपके व्यापार में भी आपका हाथ बटाएगा। ठीक है बेटे तुम मेरी इकलौती बेटी हो, मैंने तुम्हारी हर इच्छा पूरी की है, ऊपर से तुम कहती हो कि वो कलाकार है हमारे धंधे में हाथ बटाएगा, तो ठीक है वैसा ही सही। तभी चारों बच्चों को स्कूल से लेकर राजू घर लौटा। अपने घर पर चांदनी और प्रेमचंद को देखकर हाय चांदनी ये क्या तुम मेरे मालिक प्रेमचंद को लेकर क्यों आई हो, मैं इन्हीं के दुकान पर काम करता हूँ। राजू यही है मेरे पिता, ये जानकर कि तुम मेरे पिताजी के पास ही काम करते हो मुझे हैरानी और खुशी हो रही है कहकर प्रेमचंद की ओर देखकर। तो अब मैं क्या बताऊंगी पिताजी, आपको राजू के बारे में सब कुछ तो पता है, आप खुद ही इसे अच्छी तरह से जानते हैं, बाकी बातें आप दोनों ही तय कर लीजिए। देखो बेटे अगर मुझे पता होता
कि तुम इन चार बच्चों के बाप से प्यार करती हो तो मैं यहाँ तक आकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। ये इन चार अनाथों को पालकर मिस्टर इंडिया बनना चाहता है। तुम्हारी शादी इससे की तो ये अपनी दुकान जायदाद सब उन अनाथों पर खर्च करके मुझे मिस्टर भिखारी बना देगा। मैं तुम्हारी शादी इससे नहीं करूँगा। आज से इसे नौकरी से निकालता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि ये भिखारी राजू खुद क्या खाता है और इन बच्चों को क्या खिलाता है। चलो घर चलते हैं, कहकर अपनी बेटी चांदनी को लेकर वहाँ से चला गया। देखो बच्चों, मेरी नौकरी गई इसकी तुम लोग चिंता ना करो। मेरे पास कला है, मैं नया काम ढूंढ लूंगा। तुम लोग खाना खा लो और पढ़ाई करो, कहकर बाहर निकला। जंगल से वो तना लुढ़कता हुआ आकर सड़क पर राजू के पास आकर रुका। उसे देखकर राजू, अरे वाह, ना बढ़िया तना, यहाँ कैसे आया? इसे देखने से लगता है कि ये काफी बढ़िया है, इसे एक बढ़िया खिलौना बनाऊंगा तो अच्छे पैसे मिलेंगे, यूं मन में सोचा। तब लकड़ी के अंदर राक्षस, शुक्र है मेरे श्राप से मुक्त होने का समय आ गया है, कहकर खुश हुआ। राजू ने उस लकड़ी से एक मिनी वुडन ट्रेन बनाया। उस मिनी वुडन ट्रेन में बैठकर बच्चे यहाँ वहाँ घूमने लगे। बच्चों, आप सब ट्रेन से उतरो, इसे बेचना है। तब वुडन ट्रेन, देखो राजू भैया, मैं एक साधारण लकड़ी नहीं हूँ, कहकर जो कुछ हुआ सब बताकर, जब तक तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होती है मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तभी मैं श्राप से मुक्त होऊंगा। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? बच्चों के खाने के लिए स्वीट्स, चॉकलेट्स, बिस्कुट वगैरह चाहिए। तब मिनी वुडन ट्रेन सीटी बजाती हुई पहाड़ी गुफा में जाकर स्वीट्स, बिस्किट्स, चॉकलेट्स लेकर लौटी। मैं एक खिलौनों का दुकान चलाना चाहता हूँ और बच्चों के परवरिश के लिए भी मुझे पैसे चाहिए। तब मिनी ट्रेन गुफा में जाकर सोना और पैसे लेकर लौटी। राजू के बच्चों ने वो सोना और पैसे ले लिया। मेरी शादी चांदनी से करा दो। तब मिनी ट्रेन चांदनी और प्रेमचंद को लेकर वहां आई। सब कुछ जानने के बाद प्रेमचंद ने चांदनी और राजू की शादी करा दी। बच्चों ने ताली बजाकर खुशी जताई। तब राजू, हम तुम्हारी सेवा से बहुत संतुष्ट हैं। तब ट्रेन राक्षस में बदल गया और वो उसको प्रणाम करके वहां से चला गया।